कराची पोर्ट ट्रस्ट, उसने 300 साढ़े 300 400 के करीब मुलाजमीन के लिए टेंडर दिया है। मुलाजमतें निकाली गई हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? ये पाकिस्तान कराची शहर के अंदर आबाद है, लेकिन इसमें कराची और सिंध के शहरी लोगों के लिए एक सीट भी नहीं है। 361 में से एक सीट भी नहीं है, और कोटे के तहत इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ लगाओं पे दिया हुआ है, कराची के लिए एक भी नहीं है। तो हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और ये काम कौन कर रहा है? ये पीपल्स पार्टी ने अभी नहीं किया है, ये काम पीटीआई कर रही है, ये अली जैदी साहब कर रहे हैं, कि जो एक तरफ तो ये कार्रवाई डाल रहे हैं कराची के लोगों पर, और दूसरी तरफ इनकी कार्रवाई क्या थी कि इन्होंने बहरिया टाउन से कहा 10 करोड़ रुपये मिले पिछले साल और मैंने नाले साफ कर दिए। इन्होंने ट्वीट किया, नाले साफ हो गए, और जब यहाँ पहली बारिश हुई तो अली जैदी ने कहा कि चूंकि नाले में साफ कर चुका हूँ इसलिए पानी बह गया, चला गया। वो तो बारिश ही थोड़ी सी हुई थी। अब जो पानी जमा होता है तो क्या अली जैदी साहब उस पानी के अंदर बैठना, तशरीफ रखना पसंद फरमाएंगे? जो शार फैसल पे जमा होता है, जो नागन चुरंगी पे जमा होता है, जो इन सब जगहों पे जमा होता है, और उसमें जो है तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाते हैं लोग। तो ये ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए दो नंबर तरीके से लोगों के सामने मीडिया पर आकर ये कहानियां करना, इससे मुल्क नहीं चलता है।